मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाने वाले भारत के मुसलमान अदाकार आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को रिलीज होते ही 1300 सिनेमाओं से उतार दिया गया है, जिससे आमिर को बड़े पैमाने पर माली नुकसान का खदशा पैदा हो गया है। याद रहे कि हिंदू इंतहा पसंदों के एहतजाज के बावजूद आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज कर दी गई थी, मगर लोगों की कम दिलचस्पी की वजह से फिल्म के 1300 शोज मनसूख कर दिए गए हैं। लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड की 1994 की क्लासिक फिल्म फॉरेस्ट गम का हिंदी रीमेक है, जिसमें टॉम हैंक्स ने मरकजी किरदार अदा किया था। लाल सिंह चड्ढा में टॉम हैंक्स का किरदार आमिर खान ने अदा किया है, जबकि करीना कपूर ने उनके प्यार का किरदार अदा किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में आमिर खान की वालदा का किरदार उनसे 17 साल कम उम्र अदाकारा मोना सिंह ने किया है। फिल्म को भारत में 11 अगस्त को रिलीज किया गया और इसका मुकाबला अक्षय कुमार की फिल्म रक्षा बंधन से था। दोनों फिल्मों को 10,000 सिनेमाओं की स्क्रीनों में रिलीज किया गया, मगर पहले ही दिन लोगों की कम दिलचस्पी के बायस दोनों फिल्मों के 2,500 के करीब शोज मनसूख कर दिए गए। पहले दिन लाल सिंह चड्ढा के 1300 शोज मनसूख किए गए, क्योंकि फिल्म बाज शोज को देखने के लिए सिर्फ एक दर्जन के करीब लोग ही सिनेमा हॉल में मौजूद थे। इसी तरह अक्षय कुमार की फिल्म रक्षा बंधन के भी 1,000 शोज मनसूख कर दिए गए। उनकी फिल्म को देखने के लिए भी सिनेमा हॉल में चंद दर्जन लोग ही मौजूद थे। दूसरी जानब हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया है कि लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के मौके पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने आमिर खान के खिलाफ एहतजाज जारी कर रखा था और सिनेमा मालकान से फिल्म की नुमाइश न करने का मुतालबा किया था। आमिर के खिलाफ सबसे ज्यादा एहतजाज रियासत उत्तर प्रदेश और पंजाब में देखा गया, तहम इसके बावजूद उनकी फिल्म को रिलीज कर दिया गया, मगर उसने अंदाजों से कहीं कम कमाई की। पहले दिन लाल सिंह चड्ढा ने 10 से 12 करोड़ रुपए की कमाई की, जो कि अब तक आमिर खान की तमाम फिल्मों से कम तरीन है। तजिया निगारों का ख्याल था कि आमिर खान की फिल्म पहले ही दिन 30 करोड़ रुपए तक कमाएगी, ताहम ऐसा नहीं हुआ। लाल सिंह चड्ढा से पहले सन 2018 में आमिर खान की आखिरी फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हुई थी और उसने भी बहुत कम कमाई की थी। इसी तरह करीना कपूर भी 2 साल बाद बड़े पर्दे पर दिखाई दी हैं। इससे कबल उनकी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम सन 2020 में रिलीज हुई थी। आमिर खान और करीना कपूर की एक साथ ये तीसरी फिल्म है। इससे पहले दोनों ने 3 इडियट्स और तलाश जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया था। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।